नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आज की इस वीडियो में कि व्हाट इज एन आरटीडी सेंसर। आरटीडी सेंसर या टेम्परेचर डिटेक्टर जो रहता है, टेम्परेचर सेंसर किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में मैंने तैयार किया एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके माध्यम से समझेंगे, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ में इंडस्ट्रीज प्लांट में जो वर्क करते हैं उनके लिए काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है आरटीडी से रिलेटेड और इसका नाम रखा है व्हाट इज एन आरटीडी सेंसर, या आरटीडी क्या होता है, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है। आइए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज आरटीडी, व्हाट इज आरटीडी, आरटीडी क्या होता है, या आरटीडी जो टेम्परेचर डिटेक्टर होता है या सेंसर होता है क्या होता है, कैसे काम करता है। आपसे पूछे पहले कि आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए। आरटीडी में लिखा आरटीडी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आर रेजिस्टेंस, टी फॉर टेम्परेचर, टी डी फॉर डिटेक्टर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, जिसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है। RTD is also known as resistance thermometer, resistance thermometer के नाम से भी इसको जाना जाता है। या इसमें आप और बोल सकते हैं कि RTDs और resistance temperature detector are commonly used to accurately and quickly measure the temperature of applications, जो एप्लीकेशन है जहां पे हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, वहां पे accurately और quickly टेम्परेचर मेजरमेंट करने में RTD का यूज किया जाता है। These devices can be constructed using various materials such as platinum, nickel, copper, nickel, iron, etc. etc. इतने सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। जनरली जो RTD का प्लांट में एक्यूरेट प्रीसियस बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट यूज करने के लिए हम करते हैं, वह करते हैं प्लेटिनम वायर का RTD, जिसको बोला जाता है PT100। इंडस्ट्री में आपने नाम सुना होगा PT100। PT100 मतलब ये प्लेटिनम वायर का RTD होता है, जिसमें वायर का यूज करते हैं। प्लेटिनम वायर का 100 मतलब कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करता है, इस कारण इसको PT100 नाम से जाना जाता है। आगे समझेंगे। अब आपने देखा होगा प्लांट में या कहीं भी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जी, इसकी भारी कंस्ट्रक्शंस रहती है। तो यहाँ पे क्या रहती है, ये इसकी सेंसिंग प्रोब रहती है, जिसको थर्मोवेल के थ्रू किसी पाइपलाइन में, स्ट्रीम में, वेसल्स में, जहां भी आपको टेम्परेचर का मेजर करना, वहां पे इसको ये थ्रेड्स के माध्यम से कस दिया जाता है। इसमें सबसे पहले थर्मोपाइल लगाई जाती है, थर्मोपाइल इसकी सेफ्टी करती है। यहाँ पे क्या रहता है, ये इसमें सेंसर रहता है, मतलब RTD रहता है, प्लेटिनम, निकिल, कॉपर, जिसका भी यहाँ पे लगा रहता है, इसके अंदर वायर लेते हैं और ये इसकी जो रहती है यहाँ पे, ये कैप को ओपन करके यहाँ पे 2 वायर 3 वायर 4 वायर टाइप का कनेक्शन अरेंजमेंट रहता है, जिससे हम डायरेक्टली PLC के लिए इसमें सिग्नल भेज देते हैं। ठीक है, अब कैसे काम होता है, क्या होता है, वो आगे समझेंगे। इसके बाद इसमें देखें यहाँ पे लिखा है इसके बारे में डिटेल में, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मैंने बताया ये इसका सेंसिंग एलिमेंट होता है, जो प्लेटिनम का हो सकता है, निकेल का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एक्सेट्रा। जनरली ये प्लेटिनम वायर का ही यहाँ पे सेंसर्स होता है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोटेक्टिंग रोप बोलते हैं इसको, ये जो है प्रोटेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद ये फिटिंग्स है, यहाँ से इसको फिक्स किया जाता है, और ये कनेक्टिंग हेड है, यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनल्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं सिग्नल लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आगे लिखा है टाइप्स ऑफ आरटीडी, आरटीडी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में ऑलरेडी हम वैसे बात कर चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आरटीडी की यदि बात की जाए तो यहां पे देखें टाइप्स ऑफ आरटीडी में प्लेटिनम आरटीडी, जिसमें प्लेटिनम वायर का हम यूज करेंगे, प्लेटिनम, कॉपर, निकेल, ये थर्मिस्टर आरटीडी। इसके बाद इसमें जो टर्मिनल रहते कनेक्शन के बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। देयर आर सेवरल वायर कॉन्फिगरेशंस ऑफ आरटीडी अवेलेबल, 2 वायर 3 वायर 4 वायर टाइप की आरटीडी भी हम जनरली यूज करते हैं प्लांट है। तो 2 वायर तो यूज करते ही नहीं, 3 वायर या 4 वायर यूज करते हैं, 3 वायर एंड 4 वायर, 4 वायर अधिक एक्यूरेट होते हैं टेम्परेचर मेजरिंग करने के लिए। यहाँ पे लिखा है द 3 वायर RTD इज मोस्ट कॉमन यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, 3 वायर यूज करते हैं, 4 वायर थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन और एक्यूरेट रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलने को देखने को मिलता है। इसके बाद ये फिर से उसका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया है, डिजाइन दिया है, इसमें क्या क्या होता है आप देख सकते, समझ सकते हैं। RTD सेंसिंग असेंबली रहती है यहाँ पे,
ये थर्मोबेल इसमें लिखा है, क्लियर कर देता हूं मैं इसको क्लीन। ये थर्मोबेल है, थर्मोबेल के अंदर आरटीडी लगा दी है। थर्मोबेल क्या होता है, जैसे स्टीम पाइप में गर्म स्टीम या फ्लूइड फ्लो है, फ्लो हो रहा है, उसमें यदि हमको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है और वहां पर डायरेक्टली हम आरटीडी को लगा देंगे तो उसकी जो प्रोब रहती है वो बैंड हो सकती है, टूट सकती है। तो उसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे थर्मोबेल लगाया जाता है। थर्मोबेल कसने के बाद उसके अंदर आरटीडी इंसर्ट की जाती है। ये है इसके बाद ये लिखा स्प्रिंग लोडेड माउंटिंग फिटिंग इंसुलेटेड पैकेजिंग आरटीडी प्रोब सीट्स ये लीड सील्स टर्मिनल ब्लॉक रिमूवल ये कुछ है कनेक्शन टर्मिनल ये सब कुछ इसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन उसमें दिखाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम समझना इसके बारे में बहुत कुछ। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है आरटीडी का, इसके बारे में समझते हैं किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल, द वर्किंग ऑफ द आरटीडी सेंसर इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ द मटेरियल यूज फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में डिजाइन में बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया उसकी जो है उसका टेम्परेचर में किस तरीके से बिहेवियर है, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यदि प्लेटिनम वायर का हम यूज़ कर रहे हैं तो फास्ट रिस्पॉन्स हमको मिलता है, निकल और कॉपर है तो वो थोड़ा रिलायबल नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है उस पर कि किस टाइप का बनाने में मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। जनरली PT100 का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ चेंजेस सीन इन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द मटेरियल केस ड्यू टू पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड द सेंसर इज कैलिब्रेटेड एक्यूरेंटली। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से कि किस तरीके से टेम्परेचर में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल का रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है इसका पूरा वर्किंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखें इसका यदि हम और बात करें तो किस तरीके से आरटीडी को कनेक्ट करके किस तरीके से टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है किया जाता है वो यहाँ पे दिखाया गया है आरटीडी वर्किंग के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जब आरटीडी रहता है उसमें 2 वायर 3 वायर है, रेजिस्टेंस वहाँ पे वेरी हो रहा है, टेम्परेचर वेरी होगा तो रेजिस्टेंस वेरी होगा। अब रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, सबको पता है उसके लिए हम करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का यूज। ठीक है, ब्रिज सर्किट का। तो यहाँ पे यूज किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है हमको यहाँ पे, टेम्परेचर वेरी होगा उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आएगा और रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो प्रोपोर्शनली रहेगा किसके, टेम्परेचर के। तो आर प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, वैसे इसका परफेक्ट स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है वो आगे आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसका देखें कंस्ट्रक्शन वर्किंग के अंदर कि यहाँ पे देखें ए बी सी एंड डी, यदि ये चार आर्म है ब्रिज सर्किट की, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई से एक्साइटमेंट करने के लिए इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें सप्लाई दी जाती है किसको, ब्रिज सर्किट को। इसके बाद एक आर्म में हमने यहाँ पे आरटीडी जो है आरटीडी की 2 आर्म आई, इसको LR1 बोल देंगे, L4 जो है leg 1 एंड leg 2 का रेजिस्टेंस ये इसमें आए L1 L2 इसमें आ गया। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे लगा है प्लांट में आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे और ब्रिज सर्किट आपके कंट्रोल रूम में लगा है। अब इसमें यदि मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा तो वहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज जो भी उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल में रेजिस्टेंस वेरी होगा, वह रेजिस्टेंस वेरी होगा तो यहाँ पे ब्रिज सर्किट जो है इसका जो आउट वोल्टमीटर है जो डिस्प्ले मीटर है यूं कहें या वोल्टमीटर है इसमें आपको डिजिटल VM बोलते हैं DVM डिजिटल वोल्टमीटर, इसमें हमको यहाँ पे वोल्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे दिख जाता है कितना वोल्टेज है, उस वोल्टेज को परपेंडिकुलर हम टेम्परेचर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आरटीडी का वर्किंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या लिखा है देखें। इसके बाद इसमें जो रहता है आपको बता दें एक चीज और कि 2 वायर और 3 वायर में जनरली आपको क्लियर यहाँ पे होगा कि 2 वायर आरटीडी 3 वायर आरटीडी। अब यहाँ पे देखें इसमें ए ब्रिज सर्किट नोन एज द व्हीटस्टोन ब्रिज यूज फॉर द पर्पज, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज कंपोज ऑफ 3 रेजिस्टेंस ए पावर सोर्स ए वोल्टमीटर, वो मैंने बताया वो आपको सब कुछ जो ही उसमें लिखा है। लेकिन यहाँ पे 2 वायर और 3 वायर का हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 2 वायर आरटीडी ये है 2 वायर आरटीडी का डायग्राम और ये है 3 वायर का। अब 3 वायर का हमको जनरली यूज क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है 3 वायर का, आपने देखो 2 वायर यदि हम यूज करेंगे मान लीजिए आरटीडी आपकी प्लांट में लगी है प्रोसेस प्लांट में, प्लांट हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रूम रहता है, बाहर रहता है प्लांट में, तो वहाँ पे हमने आरटीडी प्रोसेस हो रही है। लेकिन ये अरेंजमेंट हमारा कहाँ लगा है, कंट्रोल रूम में लगा है CR में।
कंट्रोल रूम में रखा है। अब यहाँ से ये केबल की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाती है काफी लंबी, इसका रेजिस्टेंस बन जाता है हमारा LR1 LR2। तो चूंकि रेजिस्टेंस आरटीडी का वैल्यू है उस कारण से वह रेजिस्टेंस तो जाएगा ही, साथ में केबल का रेजिस्टेंस भी जाता है, तो हमको एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं आ पाता है कंट्रोल रूम में कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस में कितना वैल्यू है या कितना टेम्परेचर बढ़ा है। चूंकि PT100 जो रहता है, PT100 की प्रॉपर्टी रहती है कि यह 0 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। यदि 0 डिग्री टेम्परेचर है फिर भी केबल के जो रेजिस्टेंस काउंट उस कारण से यहाँ पे हमको 100 ओम की बजाय कुछ ज़्यादा हमको यहाँ पे ओम दिखेगा, ओम ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में, ज़्यादा वोल्टेज आएगा, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। तो इसको कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं कंपनसेटिंग, तो उसके लिए 3-wire RTD का यूज़ किया जाता है। अब 3-wire का RTD का यूज़ करने से क्या होता है, आप देखें इसमें कनेक्शन ABC 3 दिखाया है, एक RTD तो डायरेक्ट लगाया है, इसके बाद एक्स्ट्रा वायर लेके DVM डिजिटल वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा केबल का रेजिस्टेंस आता है उसको एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके, ताकि ओरिजिनल हमको जो रिजल्ट है वही मिले। इसलिए 2-wire 3-wire और 4-wire यूज़ किया जाता है। 2-wire में डायरेक्ट रेजिस्टेंस आएगा, 3-wire में रेजिस्टेंस एलिमिनेट करते हैं, इसको कंपनसेटिंग बोलते हैं, और 4-wire में और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, लेकिन 4-wire RTD कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। एक मिनट, क्या हो गया, चेंजेस। अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी है, व्हाट इज द आरटीडी फॉर्मूला, किस तरीके से इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखा द वेरिएशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर मेटल विद द वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर इज गिवन एज। तो यहाँ पे जो आरटीडी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं हमने, है ना, उसका फॉर्मूला दिया आरटीडी बराबर R01+T-T0+βT-T0² ... इस तरीके चलता रहता है। वेयर आरटी क्या है, RT एंड R0 आर द रेजिस्टेंस वैल्यू एट द 0 डिग्री टेम्परेचर एंड T डिग्री टेम्परेचर। तो ये जो है R0 और RT, RT क्या है, ये प्लेट जो फाइनली हमको PT100 का रेजिस्टेंस आता है, RT या R0 क्या है कि उसका इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है। इसके बाद इस पूरी इक्वेशंस को एलिमिनेट करें, यदि इसको समराइज करें, चूंकि ये मैक्सिमम अधिक टेम्परेचर रेंज के लिए होता है, यदि स्मॉल रेंज है कम रेंज के लिए, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं RT = R01+T-T0, या इसका फॉर्मूला फाइनली RT बराबर होता है R0 + 1 R0 × 1 + α0 T, इस तरीके से इसको लिखा है। अल्फा क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है जिसकी वैल्यू स्टैंड होती है 0.00385। ठीक है, ये अभी आगे फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगी। तो इससे हम इसका क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे मैं बताता हूँ इसको, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा RT रेजिस्टेंस टेम्परेचर 100 × ओम × 1 + α T, अल्फा का वैल्यू होता है 0.00392, इसको आपने 0.00385 भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, 38592 × 30° - 0। अब ये 35 क्यों दिया है कि इसमें लिखा, फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम यू हैव ए PT100 RTD सेंसर्स विद ए 35° टेम्परेचर पर, यदि आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं जिसका अल्फा यानी कॉफिशियंट इतना है, टेम्परेचर कॉफिशियंट इसको बोलते हैं, ये अल्फा कहलाता है। ठीक है, वैल्यू एंड 0° टेम्परेचर रिफर टेम्परेचर आरटीडी कैलकुलेशन इज, तो आरटीडी निकलना है तो 0° पे 100 दिखाता है, अब इसके बाद में 1 + α T। ठीक है, 100 ओम तो होता ही है उसका यदि 0° होगा, तो इसके बाद α T का 35°, यदि यहाँ पे हम जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आई, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आता है 113.72 ओम। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना टेम्परेचर है, इसका एक टेबल होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला तो सेम निकाल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ समझ में आया होगा, कहने का मतलब आरटी ये क्या है, आरटी मतलब कि आरटीडी का रेजिस्टेंस बराबर 100 यहाँ पे लिखा है × 1 + α T, अल्फा टी इस तरीके से इसको बोल सकते, फिर से लिखूं मैं RT = 100 × 1 + α T, शॉर्ट में बात करें तो
तो 100 तो फिक्स होता है क्योंकि PT100 का 0 डिग्री पे 100 ओम रेजिस्टेंस होता है। अल्फा की वैल्यू 0.0385 या 3 राइट टू आप रख सकते हैं। टी ये कितना है, टी कितने डिग्री टेम्परेचर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 डिग्री जितने टेम्परेचर वैल्यू हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आरटीडी का रेजिस्टेंस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का हमको मेजरमेंट होता है। अब देखें व्हाट इज द आरटीडी टेम्परेचर रेंज, आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है इंटरव्यू में एग्जाम में कि आरटीडी की रेंज क्या होती है, टेम्परेचर कितना डिग्री तक का टेम्परेचर मैक्सिमम हम इसको मेजर कर सकते हैं, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरटीडी जो है इसकी रेंज होती है -200 डिग्री से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान हम आरटीडी थ्रू मेजर कर सकते हैं, समझ गए आप। इससे मैक्सिमम के लिए जैसे बॉयलर है फर्नेस है वहाँ पे आरटीडी यूज नहीं करते, वहाँ पे हम करते हैं थर्मोकपल का, उस थर्मोकपल से और ज़्यादा टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस में प्लांट में स्टीम टेम्परेचर वहाँ पे हम आरटीडी का यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने में। ठीक है आगे देखते हैं और इसमें RTD एप्लीकेशंस, तो RTD का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा समरी के फॉर्म में कि ऑटोमेटिव प्लांट्स जो रहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मिलिट्रीज में, एरोस्पेस स्पेस में, जहाँ भी कहने का मतलब ऑटोमेशन बढ़ा जाए, ऑटोमेशन ऑटोमेटिक प्लांट चलाना है वहाँ पे यूज़ किया जाता है आरटीडी का। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेंसर या यू कह टेम्परेचर सेंसर जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ रेजिस्टेंस घटता है। तो इस तरीके से आरटीडी थ्रू टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कर लेते हैं। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा समराइज आपको करने का प्रयास किया जिसमें हमने बताया कि आरटीडी क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, छोटा सा बताया। फिर भी कोई डाउट है क्वारी कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैंने ये इस तरीके से डीपली समझाने का प्रयास किया, आगे भी आपको इस तरीके से और वीडियो लेक्चर्स में बना बना के पावर पॉइंट पर बना समझाने का प्रयास करूँगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और कोई डाउट है क्वारी है कमेंट कर जरूर बताएं कि इसमें क्या मुझे चेंज करना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हिंदी में लिखूँ क्या पूरा या इंग्लिश में चले जो लिख रहा हूँ वो पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कन्वर्ट कर करके। तो आप जैसा बोले वैसा नेक्स्ट वीडियो हम पब्लिश करेंगे बहुत जल्द। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।